हम लोग 50 मिनट के लिए, 50 50 मिनट्स के लिए, 50-55 मिनट्स के लिए हम लोग आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, और आपके साथ मैं उन सारी चीजों को शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे लास्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जैसे राहुल सर ने बताया कि मैंने एमबीए करने के बाद जॉब भी किया था, और फाइनली मैं एज ए प्रोफेसर ICW इंस्टीट्यूट के अंदर मैं सीएस के बच्चों को पढ़ाता था। इसलिए कह रहा हूँ कि 15-17 साल पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ उस चीज को प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, और मैंने किया बहुत मजेदार तरीके से किया। और मैं आज इस बिजनेस में, जिस बिजनेस को मैं पढ़ाता हूँ, उस बिजनेस को बड़ा फक्र से करता हूँ, और इस बिजनेस के अंदर में मेरी जो अचीवमेंट है वो 3.5 साल की है। डायमंड रैंक्स पे हूँ, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि मैं डायमंड रैंक पे हूँ, बल्कि मेरा ये बिजनेस मेरे पूरे परिवार का बिजनेस है। मेरा बेटा टोपाज रैंक पे है और मेरी वाइफ एमरल्ड रैंक पे है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसलिए दोस्तों मैं आप सब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब मैं स्लाइड को शेयर करूंगा उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अपनी वाइफ अपने बच्चों के बारे में इसलिए बताया कि आप अगर इस वेबिनार को केवल अकेले विटनेस कर रहे होंगे तो थोड़ा सा तब्दीली करिए, अपने बच्चों को भी साथ ले लीजिए, अपने पेरेंट्स को भी साथ ले लीजिए, अपनी वाइफ को भी साथ ले लीजिए, और साथ बैठ के इस बिजनेस प्रोग्राम को सुनिए। क्योंकि बिजनेस प्रोग्राम को आप साथ बैठ के सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप ज्यादा बेटर डिसीजन के पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। मैं बहुत ही, मुझे 2-3 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं स्लाइड को शेयर करने जा रहा हूं, और आप जब मैं स्लाइड को शेयर करूं तो आप हाथ उठा के हैंड रेज करके बताएंगे कि यस नाउ यस हम लोग बहुत ओके हैं और हमारा स्लाइड आपको दिख रहा है। दोस्तों आज का जो 50 मिनट का सेशन होगा वो एक इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा, आप पे दबाव नहीं होगा इस बिजनेस को करने का, लेकिन इस बिजनेस को समझने का जरूर अब मौका है। इस बिजनेस को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और आप इस बिजनेस को समझने के बाद अपने लाइफ के अंदर में एक यू टर्न दे सकते हैं, एक बढ़िया सा एक मोड़ दे सकते हैं। कहते हैं कि हसीन मोड़ दिया जा सकता है अपनी लाइफ में, किसी भी वक्त कभी भी किसी के साथ भी दिया जा सकता है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग जो होगी इस बिजनेस की वो एक यूनिक तरीके से होगी, एक अच्छे तरीके से होगी, लेकिन उसमें आपका साथ जरूरी है। आपका साथ इसलिए जरूरी है कि कोई भी कम्युनिकेशन टू वे ट्रैफिक होती है, जिसमें एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, एंड दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों में समान तरीके का हवा भरा होना चाहिए। सपोज करो कि मैं कुछ देने को तैयार हूं लेकिन कुछ आप लेने को तैयार नहीं है, या आप देने को तैयार हैं और मैं लेने को तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बेटर तरीके से। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 50 मिनट का जो सेशन होगा आपके लिए बहुत शानदार होगा। किसी दिन मेरे लिए बहुत शानदार रहा था, मेरी वाइफ के लिए शानदार रहा था, मेरे बच्चों के लिए शानदार रहा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज आपने अगर दिल से इस बिजनेस को समझा, इस सिस्टम को समझा जो वर्ल्ड वाइड आज 200 कंट्री के अंदर में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, उसको समझा अगर आपने, तो लगता है कि आज आपके लाइफ के अंदर में, आपके परिवार के जिंदगी के अंदर में एक यू टर्न आने वाला है, जिसकी संभावना बहुत मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा दिख रही है। कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फीलिंग और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। दोस्तों ये ताला है, इस ताले को बिना खोले हुए, एंट्री गेट के ऊपर लगा हुआ 3 ताला है जिसको खोलना पड़ेगा, और खोलेंगे तभी आपकी एंट्री उसके अंदर होगी, जिस दुनिया में बड़े बड़े कारनामे होते हैं, क्योंकि ये ऐसे ताले हैं, एटीट्यूड फीलिंग एंड माइंडसेट, जिसके खुले बगैर आप कहीं यू विल रीच नोवेयर, आप कहीं भी कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर इन 3 तालों को खोल के बैठें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठें, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बैठें, और पॉजिटिव तरीके से बैठने से फायदा ये होगा कि आपने जो अपनी लाइफ को गुजारा है 20 साल पहले, 25 साल पहले के, 30 साल पहले के, 40 साल पहले के, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आज हमारे साथ बैठे होंगे, उनको पॉजिटिव माइंडसेट से बैठने का लाभ क्या मिलने वाला है कि आप यू विल बी इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट योर पैशन एंड द वे टू अचीव दैट पैशन, टू फुलफिल दैट पैशन। आज आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठे होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे होंगे, तो आपको एक फायदा जरूर होने वाला है, वो ये कि आप अपने पैशन, अपने ड्रीम को फुलफिल करने का एक राइट तरीका, एक राइट जगह की तलाश आप कर पाएंगे, उसकी आपकी मैचिंग हो सकती है, क्योंकि मैचिंग जरूरी है। अपॉर्चुनिटी और आपके पैशन के बीच में मैचिंग न होने का नतीजा ये होता है कि आज 92% लोग जॉब सेटिस्फेक्शन से बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं।
क्यों? क्योंकि उनका पैशन और उनका जॉब प्रोफाइल मैच नहीं करता है। सोचकर देखना दोस्त कि अगर माइकल जैक्सन को क्लर्क बना दिया गया था और किसी क्लर्क को माइकल जैक्सन बनने की प्रेरणा दी जाती होती तो क्या मिसमैच बनता। सोचकर देखना दोस्त कि अगर चार्ली चैपलिन को फौज में भर्ती कर दिया जाता या क्लर्क बना दिया जाता या बैंक में भेज दिया जाता तो मुझे लगता है कि बैंक में कोई काम दिन भर नहीं होता, लोग तमाशे देखते। That was the result of matching your passion to your profession. आज मैं आपसे जो 40-45 मिनट 50 मिनट की बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि 55 मिनट भी हो जाए, हो सकता है कि 45 मिनट भी हो जाए, लेकिन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एंड यू मस्ट फाइंड आउट द मैचिंग पेयर ऑफ योर प्रोफेशन एंड योर पैशन। मैं 50 मिनट के अंदर में जो कुछ कहूंगा, आप मत सोचना कि किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन हो रहा है, आप मत सोचना किसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हो रहा है, आप मत सोचना कि कोई चीज हम अपने टाइम को कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इन मतापची में मत जाना। केवल ये देखना कि क्या मेरा जो पैशन है कि ये इस प्रोफेशन से अगर मैच हो जाता है तो क्या मिरेकल हो सकता है मेरे लाइफ में। दिस इज द पॉइंट टूडे, दिस इज द ओनली पॉइंट टूडे, This is the opportunity today, and this must be brewed over. आपको आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा कि क्या मेरी लाइफ में या ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे मेरा पैशन मैच करता है। जब पैशन प्रोफेशन से मैच करता है वहां मिरेकल होता है। Nothing. जब भी पैशन और प्रोफेशन से मैच होता है मिरेकल होता है, और जहां भी पैशन अगर प्रोफेशन से मैच नहीं करता है वहां डिजास्टर होता है। और आप दुनिया में अपने आसपास डिजास्टर बहुत सारे देखते होंगे। डिजास्टर वो नहीं होता है कि बाढ़ आया और मकान गिर गया, डिजास्टर ये होता है कि ऐसा काम में फंस गए जहां पे सपने टूट गए, बिखर गए, कुछ यहां गिरे, कुछ वहां गिरे, बिखर गए। दैट इज डिजास्टर। मकान तो टूट के बन जाएगा, लेकिन जो सपने टूट गए आपके, वो जिंदगी तो एक ही है दोस्त, वो खत्म हो जाता है। और लेकिन हम दोष कहाँ देते हैं? किसी और पे दोष देते हैं। हम कहते हैं कि किसी की औकात नहीं है कि तुझे उड़ने से रोक पाए, लेकिन उन्हीं के औकातों में उलझ पुलझ के हम मर जाते हैं। कहते तो हैं कि किसी की औकात नहीं है, लेकिन उन्हीं की औकात के नीचे हम दब जाते हैं। हमारा पिताजी कहता है कि तू यही बन सकता है, हमारा पड़ोसी कहता है कि यही बन सकते हैं, माँ कहती है कि वही बन सकता है, जीजा कहता है कि तू यही बन सकता है। हम सोच नहीं पाते कि हम क्या बन सकते हैं, हम खिचड़ी बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते। इसलिए हमें यह सोचना होगा आज 40-45 मिनट्स के अंदर में, हमें यह सोचना होगा कि मैं आखिर किस लिए पैदा हूं, मैं क्या बन सकता हूं। ये दूसरे को मौका मत दो दोस्त, वो सोचेगा कि तुम क्या बनोगे। तुझे 40-50 मिनट्स के बीच में आज राकेश पांडे से जो आपकी इंटरेक्शन हो रही है, आप अपने बच्चों को साथ बैठाइए, अपने बीवी को साथ बैठाइए, अपने पिताजी को साथ बैठाइए और कहिए कि 50 मिनट राकेश पांडे को सुनना है, बाद में हम सोचेंगे, लंच डिनर और मीटिंग के बीच में हम सोचेंगे कि हम करना क्या। क्या मेरा पैशन मेरे प्रोफेशन से मैच कर रहा है पिछले वाला? अगर नहीं कर रहा है तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आजमाते हैं, क्योंकि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कभी रुकी नहीं जाती। मुझे अब मैं बात कर रहा था प्रोफेशन की और दूसरे पे इल्जामात की बात कर रहा था। मैं आपको एक बात बता कि वाकई वर्ल्ड के इस धरती के ऊपर, इस जगत के ऊपर, इस आपका अगर कोई दोस्त है तो आप हो और दुश्मन है तो आप ही हो और कोई नहीं है। मैं अब बताऊं, गौतम बुद्ध मर रहे थे, उनकी अंतिम सांसें चल रही थी और उनके सारे भक्त पास में बैठे हुए थे, उनके शिष्य सब पास बैठे हुए थे। आनंद उनके बड़े चचेरे बड़े भाई थे, आप भी जानते होंगे। दो मिनट में मैं इस स्टोरी को खत्म करूंगा, जल्दी से आऊंगा स्लाइड के ऊपर में। गौतम बुद्ध की अंतिम सांसें चल रही थी और आनंद उनके साथ बैठे हुए थे, पैरों के पास बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, आनंद पूछे, आज उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हो, अब कुछ ही क्षणों में आपका प्राण निकल जाएगा, अब जब आप थे हमारे साथ, जब आपकी रोशनी हमारे साथ थी, जब आपका दीपक दिया हमारे साथ रोज जल रहा था, सूर्य आपका आप ज्ञान का दीपक और बुद्धत्व का दीपक रोज जलता था हमारे 24 घंटे हमारे साथ, तो हम अब कहीं पे नहीं पहुंच पाए। तो जब आपकी प्राण अब निकल रहा है तो हम कहां पहुंचेंगे, उस पूरे अंधकार में हम तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, कुछ ही सेकेंड की बातें थी, लास्ट बातें जो गौतम बुद्ध ने अपने अपने पूरे 40 साल के प्रवचन में जो अंतिम बातें वो कही, आनंद से आनंद की तरफ मुस्कुरा के उन्होंने कहा, राहुल सर, उन्होंने मुस्कुरा के ये कहा कि अपो दीपो भव, आनंद मैं था या नहीं था ये मैटर नहीं करता है, तुम थे तुम रहोगे ये मैटर करता है,
किसी की दूसरे की रोशनी में तुम्हारा जिंदगी रोशन नहीं हो सकता है। अगर छोटा सा टिमटिमाता तुम्हारा खुद का अगर दिया है, तुम्हारे खुद का जो लालटेन है वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। बाहर दूर से आता हुआ ट्रक का वोल्टेज बड़ा सा रोशनी भी तुम्हारे जिंदगी में एक पल के लिए प्रकाश तो कर सकता है, लेकिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा तुम्हारा छोटा सा दिया। इसलिए अपो दीपो भव, तुम अपना दीपक बनो। आज जो 50 मिनट का हमारा सेशन होगा, 50 मिनट जो हम आपके साथ बैठेंगे, हम जो बातें करेंगे, उसमें आपको केवल और केवल, कोई भी आपका नाम कुछ भी हो और आप कहीं से इस वेबिनार में जुड़े हुए हो, केवल 50 मिनट आपका ध्यान होना चाहिए सेल्फ के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान होना चाहिए कि मैं हूं क्या, मैं किस लिए हूं और कहां तक पहुंच सकता हूं। और ये जो अपॉर्चुनिटी दिखाया जा रहा है राकेश पांडे के थ्रू, दिखाया जा रहा है नेक्स्ट स्विच का जो 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 ये अपॉर्चुनिटी है, जो डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, एक स्टार्टअप की जो अपॉर्चुनिटी है, इसके माध्यम से मैं क्या अपने जिंदगी का दिया, मैं अब दीपक खुद बन सकता हूं। दोस्तों रिवोल्यूशन है, दोस्तों रिवॉल्यूशन है, ये प्रोफेशन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट ए प्रोफेशन। 1934 में जब पहला किसी इंसान ने, कैसल बरी ने एक प्लान शेयर किया था, 1934 की आप याद करना, आजादी भी नहीं आई थी उस टाइम, तो पहला बार वर्ल्ड के अंदर किसी कोने में कैलिफोर्निया के एक गांव के अंदर में ये प्लान को शेयर किया गया था। और 1934 से लेकिन 2021 आज का दिन 15 सितंबर तक, इसमें रिवॉल्यूशन ने दिन प्रतिदिन रोज के रोज छलांग मारा है, रोज का रोज छलांग मारा है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, इट इज डेफिनेटली ए प्रोफेशन, बट ए बहुत बड़ा सेल्स का रिवोल्यूशन है। एक आई सेल्स प्रोफेशन के अंदर जो रिवोल्यूशन आया है, सतत जो प्रयोग हुए हैं, जो रोज के रोज इसमें नए नए प्रयोगात्मक क्षण आए हैं, लोग आए हैं, पर्सनालिटीज आई हैं, इंस्टीट्यूशंस आए हैं, कंपनियां आई हैं, उनके सतत प्रयोग का नतीजा आज नेटवर्क मार्केटिंग है। और वर्ल्ड का 200 कंट्री है, 200 कंट्री के अंदर में दोस्तों कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसके कंट्री के अंदर में बड़े बड़े लोग, अभी पिछली स्लाइड पे आपने देखा अमिताभ कांत जी को देखा, 1980 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो नीति आयोग के सीईओ रहे थे, बीच में राजीव कुमार आए, फिर दोबारा उनको बुलाना पड़ा। क्यों? ही वॉज द प्रणेता, ही वॉज द पायनियर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पायनियर इन इंडिया जो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं, बिकॉज उनको राजीव कुमार के पास दोबारा बुलाना पड़ा। और अभी जो स्लाइड देख रहे हैं मोदी जी का, रामविलास पासवान जी, इनको ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस जो वृक्ष, जो पेड़ बीज लगा था कुछ साल पहले, जो बीज लगा था 2000 ईस्वी के आसपास में, तो 1998 के आसपास जो बीज लगा था हिंदुस्तान के अंदर में, उस बीज को पानी खाद देने वाले ये लोग हैं, और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर में इस प्रोफेशन को एक नया आयाम दिया। मैं अभी लास्ट बीएसबी का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे लगता है बहुत नया है इसलिए आपने नाम नहीं सुना होगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सीबीएसई बोर्ड, उसके चेयरमैन बैठे थे, हम लोग बैठे थे, बिकॉज हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग उस बोर्ड में है जो कंटेंट जो डिजाइन कर रहे हैं, आई एम वन ऑफ दैट गाय कि जो कंटेंट को डिजाइन, ये एक नया बोर्ड बन रहा है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो कि हिंदुस्तान के अंदर में सीबीएसई के बराबर ही होगा, उसी तरीके का बोर्ड होगा, लेकिन इसकी खासियत है, सामने हम लोगों को ब्रीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि सर हम लोगों का एक मोटो है कि हिंदुस्तान की शिक्षा हिंदुस्तानियत के हिसाब से हो। मैं लंबी चौड़ी चीजें तो उसको नहीं बता सकता आज इस वेबिनार के अंदर में, लेकिन मैं कभी बता सकता हूँ उसका मोटो ही यही है कि हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था हिंदुस्तानी के हिसाब से हो। यानी कि उसमें मैंने देखा अपने कंटेंट, हम लोग भी इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ, उसके अंदर में अगर फोकस है तो फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप पे, फोकस है स्टार्टअप पे, फोकस है डायरेक्ट सेलिंग पे, फोकस है जो डायरेक्ट कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच का जो रिश्ता है, नाता है, उसके ऊपर फोकस है। और ये वर्ल्ड के बड़े नामी लोग हैं जिसमें वॉरेन बफेट आते हैं, बिल गेट्स आते हैं, कियोस्की आते हैं, ऐसे लोग हैं, इलोन मस्क आते हैं, मुकेश अंबानी आते हैं, अडानी आते हैं, ये सारे बड़े लोग हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज एक बड़ा नया आयाम दे रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और नेक्स्ट आने वाले जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं कि यस आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हो। क्योंकि गोन आर द डेज, वो जमाने गए जब जॉब के लिए पढ़ाई की जाती थी और जॉब के लोग पीछे भागते थे। गोन आर द डेज, वो पुराने आजादी की लड़ाई के टाइम के जमाना है जब जॉब ढूंढा जाता था। आज कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का पेरेंट्स नहीं होगा जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोचता होगा, वो अपने बच्चों को जॉब के लिए नहीं पढ़ा रहा है, वो चाहता है कि कोई ना कोई बच्चा हमारा कोई नया स्टार्टअप में आए। ये एक नया जनरेशन का बिजनेस है,
नई सोच का बिजनेस है। और इस बिजनेस में तीन आयाम है, आपको समझना पड़ेगा तीन आयाम। ये स्टार्टअप क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, और डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। ये तीनों के मुख्य आयामों को समझना पड़ेगा दोस्तों, आपको गहराई से समझना कि स्टार्टअप एक ऐसी चीज होती है जो तीन, या ई कॉमर्स से और डायरेक्ट सेलिंग से डिफरेंट है। ये तीनों चीज, तीन चीज है, और तीनों का फोकस पॉइंट तीनों का अलग अलग है। स्टार्टअप में हमेशा आइडिया प्राइमरी होता है, आप ध्यान से देखना कि आप स्टार्टअप का हमेशा आइडिया प्राइम होता है, आइडिया उसमें प्राइम होता है। ओला का एग्जांपल लो, जोमेटो का एग्जांपल लो, किसी चीज का ओयो का एग्जांपल लो, वहां पे दैट इन स्टार्टअप द आइडिया इज प्राइमरी, वहां पर आइडिया प्राइमरी होगा। लेकिन ई कॉमर्स की जहां तक बात आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्राइमरी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी हो जाएगा। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, बहुत बड़ा वेंडर होगा, लाखों वेंडर होंगे, लाखों गोडाउन होंगे, लाखों मोटरसाइकिल वगैरह, लाखों डिलीवरी वाले होंगे। Startup is different from e-commerce, and e-commerce is different from startup, and again direct selling is different from two other startups, startup and e-commerce. Direct selling in the industry के अंदर में आपको नया आइडिया क्रिएट नहीं करना, आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना। This is the most advanced business startups, this is the most easiest business इन द वर्ल्ड, जहां पे एक मिडिल क्लास आदमी अपने पैशन को प्रोफेशन से मैच करा सकता है। कोई नया आइडिया इन्वेंट नहीं करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप नहीं करना नया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जस्ट यू हैव टू फॉलो द बेसिक सिस्टम, जो कि जो सिस्टम है आपका डायरेक्ट सेलिंग का, आपको उसको फॉलो करना होता है, जो एक मिडिल क्लास आदमी बहुत अच्छे तरह से कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी बहुत अच्छे तरह से कर सकता है, एक 70 साल का आदमी बहुत तरीके से कर सकता है, एक डॉक्टर साथ में बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, एक टीचर एक बहुत तरीके अच्छे तरीके से सकता है, एक हाउसवाइफ जो किचन में केवल रोटी बनाना चाहती है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेल, एंड दीज ब्यूटीज आर नॉट एसोसिएटेड विद स्टार्टअप्स एंड ई कॉमर्स। एक रोटी पकाने वाली लेडी आपको स्टार्टअप में नहीं जाके ई कॉमर्स नहीं कर सकती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, उसको पता है कि क्या करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री कॉन्सेप्ट्स। सबसे अच्छी बात इन तीनों चीज, स्टार्टअप की ब्यूटी को, ई कॉमर्स की ब्यूटी को, डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी को, एक जगह मिलाने का, एक परफ्यूम बनाने का, एक खुशबू बनाने का काम जिन्होंने किया है, उनका तस्वीर सामने आपके मोबाइल पे है और आपके लैपटॉप के ऊपर है, मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ संतोष सर से। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ, दो चार लोगों में से हूँ जिनकी बातचीत संतोष सर से बहुत जल्दी हो गई, दो ढाई सालों में ही हो गई, ऐसे कुछ घटनाक्रम बना, वरना सर से मुलाकात करना, सर से बैठ के बातें करना बहुत एक ड्रीम होता है। मैं उन लक्की लोगों में से हूँ जिनसे सर से हमारी बात है। सर का माइंड कंप्यूटर से भी फास्ट चलता है, सर का बोलने का अंदाज मंत्र वाला है। अब कहोगे मंत्र की क्या खूबी है, चलो इस वेबिनार में मंत्र की खूबी बताता हूँ। जितने भी हिंदुस्तान के ग्रंथों में मंत्र लिखे गए हैं वो टेलीग्राफी लिखे होते हैं। टेलीग्राफी मतलब होता है कि एक एक, आपको याद है टेलीग्राम जब करते थे आप 25 साल पहले, एक एक कोमा का भी ध्यान रखते थे कि कोमा के भी पैसे लगते थे, वो टेलीग्राफिक होती है। एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, एक एक वर्ड में गहराई होती है। संतोष सर से आप बात करके देखो, आप 10 लाइन बोलोगे एक लाइन बोलेंगे, लेकिन मंत्र बोलते हैं, यानी आप उनको सुनोगे तो आप कहोगे सर इतने ज्यादा कम क्यों बोलते हैं। सर टेलीग्राफी बोलते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में गागर में सागर को समाने वाली बात की पर्सनालिटी है। और दिमाग की बात करते हैं, दिमाग तो ऐसी बात है, दिमाग में तो ऐसा चलते रहता है, कम से कम 350 कंपनियों का सॉफ्टवेयर बनाना मजाक बात नहीं है। आप बात कर रहे होंगे, आप आइडिया दे रहे होंगे, उनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा होगा कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे करके और आपकी बात खत्म ना हो तब तक वो सॉफ्टवेयर आपके सामने हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर में जितने सर्टिफिकेट चाहिए और जितने तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए नेस्विच के पास है, क्योंकि 21 साल से ये कंपनी चल रही है। किसी को पहचानने के लिए 21 दिन काफी होता है, और हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जीरो डिफेक्ट कंपनी है और आईएस कंपनी बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है। मैनेजिंग डायरेक्टर का असर होता है, पेरेंट्स का असर होता है सिस्टम के ऊपर, परिवार पे जैसे मुखिया का असर होता है, उसी तरीके से हमारी कंपनी के ऊपर संतोष सर का बहुत बड़ा असर है। एथिकल इंसान है, कंपनी एथिकल है, कोई बार्गेन आप संतोष सर से नहीं कर सकते, तो कोई बार्गेन आप नेस्विच में भी नहीं कर सकते, जो हम कहते हैं वो डिलीवर करते हैं।
यूजुअली देखा यह जाता है कि स्टार्टअप बिजनेस के अंदर में बहुत सारे तामझाम की जरूरत पड़ती है, टाइम चाहिए बहुत भाई, इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई बहुत, बैंक का लोन ले लो, पड़ोसी से पैसा मांगो तब जाके एक दुकान छोटी सी खुलती है, नॉलेज चाहिए, कपड़े दिखाने आता है कि नहीं, फैब्रिक क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है, मिलावट क्या है, मेडिसिन क्या है, इसमें क्या है, बफर है, क्या सही है, बहुत सारे तामझाम चाहिए तब हम छोटा सा एक दुकान खोल पाते हैं। ये 6-7 चीजों की जरूरत होती है, पैसा लगा दिया तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये जो चीजें हुए आप याद रखना, जब मैं बिजनेस शेयर करूंगा आपसे, बिजनेस पार्ट को शेयर करूंगा इससे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, नेस्ट बिजनेस, जिस बिजनेस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में 10-15 मिनट के अंदर में, हम लोग उस बिजनेस को शेयर करेंगे, उस सिस्टम को शेयर करेंगे। अब रही बात कि हम लोग किस तरह के बिजनेस में, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट पे, किस तरह के प्रोडक्ट के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जा रहे हैं। अब मैं करीब 15-20 मिनट से आपसे कहने जा रहा हूँ कि मैं हम लोग एक प्रोफेशन में इन करने जा रहे हैं, आपके बिजनेस, आपके परिवार के लिए एक बिजनेस हम शेयर करने जा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि बिजनेस कोई भी अपॉर्चुनिटी तब सक्सेसफुल हो सकता है जब रोजमर्रा की चीजें उसमें शामिल हो। अगर रोजमर्रा की चीजें शामिल नहीं होगी उसमें, तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव कस्टमर मिलेंगे, बहुत ही सिलेक्टिव एरिया मिलेगा काम करने को, बहुत ही सिलेक्टिव टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ में सिलेक्टिव होते होते बहुत इतना बड़ा जो दिखता है वो छोटा हो जाएगा। मैं आपको एक रेंज दिखाता हूँ, प्रोडक्ट रेंज दिखाता हूँ, जिस रेंज को आप देखेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रेंज देखेंगे तो कहेंगे पांडे जी क्या बात कर रहे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, मेरा घर पूरा परिवार इस प्रोडक्ट को यूज कर, इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, राहुल सर पुणे बैठे हैं उनके परिवार इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करता है, सौरभ सब इंदिरापुरम बैठे हैं उनके, आप हिंदुस्तान के चाहे किसी भी 2-4 लोगों का नाम तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं सारे लोगों का नाम नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि जिन जो लोग भी मेरे से आज कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं उनका कोई, उनका परिवार इन सारे प्रोडक्ट को यूज करता है, हर्बल यूज करता है, कॉस्मेटिक यूज करता है, प्योरिफाइड वाटर यूज करता है, क्लोथ्स यूज करता है, होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट यूज करता है, ग्रोसरी यूज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 135 करोड़ आबादी के में से किसी को भी हम प्लान देने जाएंगे तो वो कहेगा कि सर आई यूज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैं इस तरह का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। आप बताओ ना कि आपके प्रोडक्ट की क्या खासियत है, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट की खासियत बताइए, वो आपका कस्टमर पहले से ही है। मैं हर्बल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो एक नाम याद रखना, डॉक्टर एस के शर्मा, आप गूगल करना, वो एमडी है बैजनाथ कंपनी के जो हमारा मैन्युफैक्चरर। खासियत ये है, दो खासियत है, एक तो एमडी जो हमारे एस के शर्मा जी हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनके फैमिली में 12 डॉक्टर्स और हैं जो ऑल आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। दूसरी खासियत यह है कि हम नेस्विज वाले जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनाते हैं जिस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि वो अपने उगाए हुए, अपने बाग में, अपने खेतों में उगाए हुए हर्ब को ही यूज करते हैं। इसकी इससे हो क्या जाता है कि हमारा प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट बन जाता है, जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो जो हम खास एसिडो के बोलते हैं कि एसिड खत्म करेगा तो एसिड खत्म करता है, एलेक्योर को हम बोलते हैं कि एलर्जी खत्म करेगा तो एलेक्योर एलर्जी खत्म करता है, एलोट्रीट को हम कहते हैं कि आपका स्किन बढ़िया होगा, डाइजेशन बढ़िया होगा, आपका इंटरनल बॉडी फिट होगा तो फिट होगा, हम कहते हैं कि आपका जो भी क्रिस्टल एरो है आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, मैनलीनेस को बढ़ाएगा तो बढ़ाता है वो, हम कहते हैं गुलाब अर्क आपकी स्किन को, आईज को ठीक करेगा तो ठीक करता है, गिलोय आपका कहते हैं कि इम्यूनिटी को ठीक करेगा तो ठीक करेगा, कर्कुमेन को कहते हैं कि आप कैंसर को ठीक करेगा और आपके आपके शरीर के अंदर में एंटीबॉडीज को तैयार करेगा, तैयार करता है वो, बिकॉज वी यूज आवर ओन हर्ब्स, हमारे अपने खेतों के हर्ब्स यूज करते हैं। इसलिए जितने सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं और उस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे तो कहेंगे कि यस, जो प्रोडक्ट ये कहते हैं, जो क्लेम करते हैं वो ये काम करता है, ये खासियत हमारी। हमारे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी की, आप कोरोना के पीरियड में देखे होंगे कि इम्यूनिटी की बहुत बड़ा डिमांड थी, आज इम्यूनिटी जिनके अच्छा था वो लोग बच गए, जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी वो पैसा से भी नहीं बचाया जा सका उन लोगों की जान को। आज हमारे बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी के लिए जो जो चीज चाहिए हमारे पास, इम्यूनिटी के लिए सोल्यूशन है हमारे पास, और आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए और बॉडी को अंदर से फिट रखिए। कॉस्मेटिक रेंज की बात करें तो कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरर हमारा वैदिक है, वैदिक हिंदुस्तान के इन्हें गिने कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर में से एक मैन्युफैक्चरर हैं जिनके प्रोडक्ट को हिंदुस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ध्यान से सुनना इन बातों, क्योंकि प्रोडक्ट इस तरह से मिलते जुलते तो बहुतों के पास बहुत होंगे,
लेकिन ध्यान से सुनना कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वैदिक, वो ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसके प्रोडक्ट को हिंदुस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्रिटेरिया है किसी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को जांचने का। ये मोटा मोटी मैंने बताया कि मोटा मोटी बात आप जल्दी पकड़ोगे। तो हिंदुस्तान से बाहर वही प्रोडक्ट फिर एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं जो वर्ल्ड क्लास होंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी होंगे। आप सोच कर देखना कि वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम नेस्विस के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। एक प्रोडक्ट अभी हमारे पास रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसको हम अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर कहते हैं। ये साउथ कोरिया से हम इम्पोर्ट करते हैं और वर्ल्ड के अंदर में जो दो बड़ी कंपनियां हैं जो आयोनाइजर के फील्ड में, उनमें से एक है बायोटेक। आप सर्च कर सकते हैं इस चीज को। शर्ट और पैंट क्लोथिंग के अंदर में हम लोग हैं। क्लोथिंग में मतलब कि शर्ट और पैंट, जीन्स और टी शर्ट या सूट्स। सूट्स और हमारे शर्ट्स पैंट की खासियत यह है कि हम नॉन ब्रांड कपड़े यूज करते ही नहीं है। हम कपड़े यूज करते हैं ग्रेसिम का, हम कपड़े यूज करते हैं लगुना फैब्रिक का शर्ट के अंदर में। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है वो जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप अभी मैं जो अभी आपके साथ बैठा हूँ, ये प्रोडक्ट हमने, ये हमेशा जो सेमिनार हमारा होता है उसमें मैं पहन के जाता हूँ। जो मैंने ये पहना, कई बार हमारे सेमिनार आपने अटेंड किया होगा तो देखा होगा वो पांडे सर यही वाला पहन के आते हैं। मैं इसलिए ये राहुल सर इसको पहनता हूँ और आपको भी मैं बताता हूँ इसके पहनता हूँ क्योंकि इसी सूट से मैंने आईडी लगाई थी। और आपको लगता होगा कि कल मैंने इस वेबिनार के लिए मैं आज खरीद के लाया हूँ, ऐसा लग रहा होगा आपको। This is the authenticity of this product. और जो शर्ट मैंने डाल रखी है ये नेस्विस का शर्ट है। कम से कम 3 साल पहले मैंने इस शर्ट को लिया। मैंने टाई जो बांध रखी है वो ये टाई, मैं पुराने अटायर पहन के आता हूँ कि आप देख सकें कि आज जो आप अटायर खरीदेंगे, कोई भी क्लोथ खरीदेंगे, तो आप देखेंगे कि उसको क्या उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, क्या बेहतरीन आपको लगेगा। So, मैंने आईडी जिसे लगाई वो प्रोडक्ट में पहन के बैठा हूँ आपके सामने। होम क्लीनिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में यूज होंगे, साथ ही साथ आपके पास हम प्रोडक्ट लेके आए हैं आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं घरेलू यूज के प्रोडक्ट्स, जो कि हमें खाने पीने के प्रोडक्ट्स है, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में आज इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ा डिमांड है, जिसको हम कहते हैं सी बॉकथॉर्न। सी बॉकथॉर्न क्या होता है मैं आपको बताऊं। सी बॉकथॉर्न एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा जो हिमालय में पाया जाता है। और हिमालय में पाए जाने वाले की बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती है, लेकिन उसमें से ये यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि ये आपको 50 डिग्री टेम्परेचर माइनस और प्लस दोनों में होता है। ये सबसे ज्यादा कहा जाता है इसके बारे में, मैंने बहुत पढ़ा है वो, इसके में कहा जाता है कि इसके अंदर में विटामिन सी की मात्रा आंवले के में जितनी मात्रा पाई जाती है उससे 80 गुना ज्यादा है। साथ ही साथ इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है वो प्रोडक्ट बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। मैं जरा सा बताऊंगा आने वाले टाइम के अंदर में, आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो है स्टेम सेल प्रोडक्ट। स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड की कंपनी है मैबलिन, उससे हमारा टाई अप है। और उसमें 5 तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक आ रहा है हेयर से रिलेटेड स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट, ये आ रहा है स्किन से, एक स्टमक से, एक मेमोरी से, एक चाइल्ड के लिए और एक फुल बॉडी के लिए। 5 तरह के स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट आ रहा है। गेट रेडी दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को हिलाने वाला है, हेल्थ इंडस्ट्री को हिलाने वाला है, वर्ल्ड में तो हिला ही रहा है। उसकी खासियत यह है कि वो बॉडी के अंदर में आपके पास जो भी, अगर किसी जानने वाले के पास कोई बीमारी हो और वो इस प्रोडक्ट को आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो एक सावधानी जरूर बरतना, उसे कहना कि इस प्रोडक्ट को लेने से पहले आप अपने बॉडी का जांच कर लो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी जब 2 महीने का कोर्स कंप्लीट करोगे तो दोबारा जांच करने का। यू विल फाइंड एंड ही विल फाइंड डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस स्टेज एंड आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद, यूज करने से पहले एक में उनको डिफरेंस पाया जाएगा, चाहे उनको बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसमें वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट आने जा रहे थे। दोस्तों मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, नए लोग भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं और पुराने लोग भी जुड़े हैं, मैं क्यों ये सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर में हेल्थ इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो बाय द 10-fold, 10% 10 गुना ज्यादा ये हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो करने जा रही है। साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च हुआ है हमारे पास, बेडशीट है उसमें एक क्विल है, क्विल्ट है उसके अंदर में एक, और एक सूट का लेंथ है उसके अंदर में, वो भी सूट का लेंथ वो है आपका
ग्रेसिम का, ग्रेडो का, जो अमिताभ बच्चन जी इसका प्रचार करते हैं। सो आपको इतने सारे प्रोडक्ट, मैंने हेल्थ प्रोडक्ट की बात करी, ग्रोसरी की बात करी, मैंने बात करी आपको कॉस्मेटिक की, आपको होम क्लीनिंग की, मैंने वाटर आयनाइजर की बात करी, मैंने बेडशीट की बात करी, मैंने आपको सूट और शर्ट और जीन्स की बात करी। मैंने आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ दोबारा से कि मैंने आपके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट, महीने में खर्च होने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उसमें 80% मैंने गिनवा दी। यानी कि आप किसी भी फैमिली के अंदर में जब यूजर्स को शेयर करने जाएंगे तो आपका टारगेट होगा उसके घर में महीने में खर्च होने वाले 80% पैसे पे आप अपना निगाह डाल सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। यानी कि हर फैमिली का 80% जो एक्सपेंसेस है वो आपका बिजनेस का पार्ट बनने जा रहा है ना कमाल की चीज। इसीलिए नेस्विज महान है, इसीलिए नेस्विज बेहतर है, इसीलिए नेस्विज का प्लान बेहतर होगा जो आगे आपको दिखाऊंगा मैं। मैंने तो एक पार्ट आपको दिखाया, लेकिन ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस कैसे काम करता है दोस्तों? ये बिजनेस रिकमेंडेशन का है। और एक रिकमेंडेशन का मैं बारे में बताऊं, रिकमेंडेशन एक बहुत ही निजी और बहुत ही स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी माँ, अगर 5 दिन का भी बच्चा है और उसकी माँ जॉनसन बेबी ऑयल लगाती है, जॉनसन पाउडर लगाती है, और एक बार पलट के वो स्माइल कर देता है तो माँ कहती है कि यार ये तो कंफर्टेबल है। यानी कि एक 4 दिन का बच्चा भी सेल कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है प्रोडक्ट को, और 80 साल का बुजुर्ग भी रिकमेंड कर सकता है। सो आप देखना इसका एरिया देखना। मैं क्यों आपको शुरू में बात कर रहा था कि आपका पैशन आपके प्रोफेशन से मैच करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है, एक प्रोफेशन है जहां पे 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा उसमें इन कर सकता है और 90 साल का बुजुर्ग उसमें बना रह सकता है। है कोई दूसरा प्रोफेशन? है कोई दूसरा प्रोफेशन? है दूसरा कोई काम जहां पे 2 दिन का बच्चा काम करता हो, जहां पे 2 साल का बच्चा काम करता हो, जहां 90 साल का बुजुर्ग काम करता हो? नहीं, अमिताभ बच्चन जी 80 साल का है। कोई मुझे नॉलेज नहीं है अभी तक जो सरकारी या गैर सरकारी कोई संस्था है जो 90 साल के बच्चे को, 90 साल के बुजुर्ग को नौकरी देता हो। मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन रिकमेंडेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपके एज ग्रुप मैटर नहीं करता है, जहां पे आपका कास्ट मैटर नहीं करता है, आपका क्रीड मैटर नहीं करता है, धर्म मैटर नहीं करता है, आपका कोई मेल हो कोई फीमेल ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर है क्या, बर्निंग डिजायर है क्या। अगर बर्निंग डिजायर है तो नेस्विज आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी वाला देता है, जिसमें आपके पास जो भी कुछ नहीं है नॉलेज के रूप में या पैसे के रूप में या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या सिस्टम के रूप में, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करके देता है। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग का देता है, सेमिनार करके देता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करके देता है, पर्सनालिटी डेवलप करके देता है, सपोर्ट सिस्टम आपको हर तरीके का सपोर्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपके सपने पूरे हो सके, आपके सपने पूरे हो सके। और सपने पूरा करने के लिए 12 तरीके का इनकम आपको को देता है। एक इनकम देता है जब ज्वाइन करते हैं आप, तो ज्वाइन करने के साथ ही आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है, 35-40% तक आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरा इनकम आपको देता है पेयर का, ग्रुप का, ग्रुप काम करता है, पेयर बनता है लेफ्ट राइट का, और आपका इंसेंटिव शुरू हो जाता है, दूसरा इनकम। तीसरा, अगर लगातार 3 महीने तक कंसिस्टेंस आपने परफॉर्मेंस दिया तो 3रे महीने से आपको हर आपको बोनस पहले महीने शुरू हो जाता है। अगर 15 लेफ्ट 15 राइट शुरू होता है तो आपको केवल पेयर का पैसा, ग्रुप इंसेंटिव नहीं मिलता बल्कि लीडरशिप बोनस भी शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर में दोस्तों 500 कंपनियां लीगल कंपनियां हैं, और मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 500 कंपनियां में 2 तरह की कंपनियों का प्लान चलता है, इंसेंटिव प्लान चलता है। जो लोग पुराने सिस्टम में किसी न किसी सिस्टम से जुड़े होंगे वो भी मेरी बात सुन रहे होंगे, रिकॉर्ड कर सकते हैं इस चीज को, और जो निस्विच करते हैं वो इस बात को समझेंगे। दूसरी कोई कंपनी कर रहा हो, जुड़ा हो, वो भी सुन सकता है इस बात को, और जो नए लोग हो उनको तो जरूर समझना चाहिए इस बात को। हिंदुस्तान के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग 30 साल पुरानी है और इसमें 500 कंपनियां काम करती हैं। लेकिन दोस्तों गौर करना, 500 कंपनियों में 2 तरह के प्लान चलते हैं, केवल 2 तरह, तीसरा कोई प्लान नहीं। एक प्लान ऐसे हैं जो लीडर ओरिएंटेड है, और दूसरा प्लान चलता है जो कंपनी ओरिएंटेड है। लीडर ओरिएंटेड वो प्लान होता है जिसमें एक लीडर के बेनिफिट को ध्यान में रखा जाता है, और कंपनी ओरिएंटेड वो प्लान होता है जिसमें हर बात में कंपनी को फायदा होता है। उसमें बहुत सारे क्लॉज होंगे, इतने सारे क्लॉज होंगे कि इतना बीबी का काम करना होगा, 5 लेग आपको चलाना होगा, हर महीने आपको परचेज करना होगा, नहीं करोगे तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी, हर महीने आपको 0 कर देंगे, फिर नया क्रिएट करो। दीज आर ऑल टेंट्रम्स
दीज आर ऑल ट्रेंड टर्म्स जिसके माध्यम से कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जाए। दोस्तों 499 कंपनियां कंपनी ओरिएंटेड प्लान लेकर चल रही है। मैं किसी कंपनी के पक्ष में ना विरोध में नहीं हूं, मैं केवल मेरा कंसर्न आपसे है जो हमारे इस वेबिनार को सुन रहे हैं। मेरा कंसर्न यह है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को समझें, मेरा कंसर्न यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनियों को समझें और लोगों को समझें, लीडर्स को समझें, सिस्टम को समझें। 500 कंपनियों में से 499 कंपनियां होंगी जो कि कंपनी ओरिएंटेड प्लान लेकर चल रही है, हर महीने आपको परचेज कराएंगे क्योंकि कंपनी के लिए फायदा है, हर महीने आपको आपके आपका कैरी फॉरवर्ड को लैप्स करेंगे, फ्लश आउट करेंगे क्योंकि वो कंपनी के फेवर में है, हर महीने आपको एक टारगेट पूरा करना होगा क्योंकि कंपनी के फेवर में, टारगेट फेल होते ही कंपनी को फायदा आपका नुकसान। दीज आर ऑल कंपनी ओरिएंटेड प्लान। लेकिन एक दूसरी तरफ एक नेस्विज है जिसके प्लान को आप कह सकते हैं दिस प्लान इज लीडर ओरिएंटेड प्लान। लीडर ओरिएंटेड प्लान क्या होता है कि हर बार लीडर को फायदा हो, कोई प्लस आउट नहीं, कोई कंपलसरी बाई नहीं, कोई आपको टारगेट नहीं, कोई बीबी मेंटेन लेग मेंटेन करना नहीं, कोई परसेंटेज पेमेंट नहीं, सबको इक्वल पेमेंट है। दीज आर द ट्रेट्स, दीज आर ये ऐसी क्वालिटीज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वालिटीज नेस्विज का प्लान एक लीडर ओरिएंटेड प्लान है। ये जरूर नोट करना दोस्त, कॉपी में नोट कर लेना कि लीडर ओरिएंटेड प्लान क्या होता है और कंपनी ओरिएंटेड प्लान क्या होता है। 3 महीने के बाद आप कार क्लब में इन कर जाते हैं, चौथे महीने में आप इन कर जाते हैं ट्रेवल क्लब में, उसके बाद आप 6 महीने कर आप इन कर जाते हैं हाउस क्लब में। प्रीमियम क्लब बहुत ही शानदार क्लब है क्योंकि बाकी में लिमिट होता है इनकम का, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव बहुत जबरदस्त होता है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब इस बिजनेस के अंदर में आप किन को लाएंगे दोस्तों, एक और बात बहुत मजेदार बात आने वाली है, मैं 10 मिनट में इस सेमिनार को बाइंड अप करूंगा, लेकिन बहुत आप समझने वाली बात एक है, ये 4 तरह के कैटेगरी के लोग होंगे जो आपके बिजनेस में स्टार्ट कराएंगे, इस बिजनेस को आप बताएंगे। ये 4 तरह के वो लोग कौन है? एक है नेबर जो आपका पड़ोसी है, दूसरा वो है जो आपका फ्रेंड्स है, तीसरा वो है जो आपका जिसको हम कहते हैं रिलेटिव है, और चौथा उसको कहते हैं जिसको हम स्ट्रेंजर कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त ध्यान रखना, आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप खाना खाने के जब बैठते हो वहां पे पूरा सब आप सज धज के बैठ जाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो पहले क्या आता है? पहले आता है रोटी दाल, दाल मखनी नहीं आता, पहले आता है सलाद, ओनियन, चटनी, सूप आता है ना। ऊपर जो 3 है नेबर, फ्रेंड, रिलेटिव, ये है स्टार्टर्स, ये है स्टार्टर, मील से पहले वाला चीज। खाना का ऑर्डर दे दिया आपने, खाना आने वाला है लेकिन आपके पास स्टार्टर आ जाता है। नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर स्टार्टअप इन दिस बिजनेस, स्टार्टर्स इन बिजनेस, ये आपके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आप जाते हैं नेबर को बताने, तब फ्रेंड को जानते हैं बताने, रिलेटिव को जाते हैं बताने। लेकिन राहुल सर मुस्कुरा रहे हैं, इनसे पूछो कि आज कितने नेबर और फ्रेंड इनके साथ आज बिजनेस में है 15 साल के बाद तक, वो शायद जा चुके होंगे। आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं? आप स्ट्रेंजर के साथ बिजनेस कर रहे हैं जिनकी आबादी 1,35,00,000 है, 1,35,00,000 है। दीज आर द रियल बिजनेस पार्टनर्स, योर बिजनेस पार्टनर। आप बताना, एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, रिलेटिव इलाज कराएगा या स्ट्रेंजर्स? उसकी क्लिनिक स्ट्रेंजर से चलेगा या रिलेटिव से? स्ट्रेंजर से चलेगा। आपकी दुकान है, रिलेटिव से चलेगा या स्ट्रेंजर से? स्ट्रेंजर से। कोई भी दुकान, कोई भी मकान, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी किसी भी दुनिया हिंदू वर्ल्ड के अंदर में कोई सा बिजनेस स्ट्रेंजर से चलता है दोस्त। इसलिए मत घबराना कि लिस्ट नहीं है, मत घबराना कि लोग नहीं है। ये ऊपर वाले 3 जो कैटेगरी जिस पर आप रिलाई करते हो वो स्टार्टर है, मेन कोर्स नहीं है। मेन दाल मखनी तो ये है जो जो 4th नंबर पर राहुल सर ने लिख रखा है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, वो चीज बहुत जबरदस्त आने वाली है। अब मैं पिछले 12 तरह के इनकम को थोड़ा सा और शॉर्ट ले जाता हूं आपको। एक तो आपको पहले इनकम आपका आ जाती है प्रोडक्ट परचेज करने पे ही, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने लगता है, 35%, 40%, 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, ग्रुप आपका काम करने लगता है, लेफ्ट का राइट का काम करने लगता है, आपका मजे आने लगते हैं, पेयर बनने, दूसरों का वर्किंग होती है, आपके पेयर बनने लगते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम आगे बढ़ता जाता है, सेल्स बढ़ते जाते हैं, टीम बनते जाती है, लेफ्ट की भी राइट के लोग ज्वाइन करने लगते हैं और धीरे धीरे आपका पेमेंट बनने लगता है शानदार तरीके से, जिसको ग्रुप सेल्स इंसेंटिव कहते हैं। ग्रुप सेल्स इंसेंटिव इसलिए कहते हैं कि आप लेफ्ट राइट का मेंटेन करते हैं और शुरू हो जाते हैं।
आपको क्या करना होता है इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, आपको जितने सारे पैकेज मैंने बताए हैं आपको और आने वाले टाइम में बताऊंगा, उनमें से केवल लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए एक पैकेज को आपको परचेज करना होता है। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लीडर ओरिएंटेड प्लान और कंपनी ओरिएंटेड प्लान के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वहां आपको कहा जाता है कि आप हर महीने परचेज करो। हम कहते हैं कि केवल जिंदगी में एक बार परचेज करो। जिंदगी में एक बार परचेज करना और बिजनेस को स्टार्ट करना ये लीडर के फेवर में है, और हर महीने परचेज करना, बार बार परचेज करना, दूसरे की चॉइस की चीजों को थोपना ये कंपनी के फेवर में है। इसलिए दोस्तों नेस्टवीज आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है जिसमें आपको ज्वाइन सिस्टम में आने के लिए केवल जिंदगी में एक बिजनेस सेंटर शुरू करने के लिए आपको एक बार कोई सा पैकेज, हर्बल का पैकेज, कॉस्मेटिक का पैकेज, या आप क्लोथिंग का पैकेज, या आप कॉस्मेटिक का पैकेज, या सूट्स वाला पैकेज, या शर्ट वाला पैकेज, आयोनाइजर वाला पैकेज, बेडशीट वाला पैकेज, कोई सा पैकेज, स्टेम सेल का पैकेज, सी बॉक्टन का पैकेज, कोई सा पैकेज आप एक बार ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, लाइफ में उसको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आप किसी को बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लेफ्ट और राइट में उनको किसी भी पैकेज से आप स्टार्ट करवा सकते हैं। एक पैकेज को आपने ज्वाइन कराया, लेफ्ट में एक पैकेज आपने किसी और को, बानू को दे दिया, भवानी को दे दिया, भुवन को दे दिया, आपका पेयर मैच हुआ लेफ्ट और राइट का, दो सेल्स हुई और आपको ₹1,000 आपके इंसेंटिव आ गया। एक पेयर पे ₹1,000 इंसेंटिव, न ज्यादा न कम, न ऊपर वाले को ज्यादा न नीचे वाले को कम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कंपनी के फेवर, कंपनी ओरिएंटेड प्लान में हम घुस जाएंगे दोबारा से। जब इक्वल पेमेंट, अपलाइन जो 15 साल से कर रहा है उसका भी ₹1,000 का पेयर, आपका भी ₹1,000 पेयर और मेरा भी ₹1,000 पेयर, ये लीडर ओरिएंटेड प्लान की खूबियां होती है दोस्त। जरूर साथ साथ इस चीज को समझते जाना है। और लेफ्ट और राइट में बिजनेस सेंटर जितने भी सेल्स आते जाती है, लोगों की एंट्री होते जाती है, जैसे जैसे आपका बिजनेस शुरू हो जाता है और आपका पेमेंट बढ़ते रहता है, 1,000, 2,000, 4,000, 10 पेयर बने 10,000, 20 पेयर बने 20,000, 30 पेयर बने 30,000, 50 पेयर बने 50,000, ऐसे करते करते पेयर बनते बनते आने वाले टाइम में आपका एक बिजनेस सेंटर 1,35,000 पर वीक, इसलिए बोल रहा हूं कि वीकली पेमेंट का इंसेंटिव हमारे यहाँ क्रिएट होता है, और एक बिजनेस सेंटर से, एक आईडी से आप 5,40,000 रुपया महीने में कमा सकते हैं, यानी कि 1,35,000 वीक में कमा सकते हैं। वीकली पेमेंट आता है हमारा, मंथली पेमेंट नहीं होता है। फिर अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लीडर ओरिएंटेड और कंपनी ओरिएंटेड प्लान में फर्क क्या होता है कि आपका पेमेंट जितना डिले होगा, मंथ में होगा, 3 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, वो कंपनी को फायदा होता है। जितनी जल्दी इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कंपनी लीडर को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। ये आप ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप कंपनी को सेलेक्ट करो, जो भी करो। एक मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं कि एक जॉब करने वाला इंसान 25,000 की सैलरी और उठाता है और पूरे साल भर काम करता है तो वो मुश्किल से आपको पैसा कमा पाता है कितना, 3 लाख रुपया आपको कमा लाता है। और 3 लाख रुपया कमाने के लिए वो पूरे साल भर वर्किंग करता है और साल भर वर्किंग करने के बाद 3,000 का पैकेज उठाता है। लेकिन पूरे साल भर में अगर नेस्टवीज ज्वाइन करते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, केवल 2 घंटे काम करते हैं वीक में अंदर में, और वीक के अंदर में 2 घंटे काम करके 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं एक वर्किंग को, छोटा वर्किंग जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने ज्वाइन किया, महीने में 2 सेल्स निकाली, दूसरों को भी यही समझाया कि आप पूरे 30 दिन लगाओ और अपने पूरे 30 दिन के अंदर 2 सेल्स निकाल, 2 बिजनेस सेंटर किसी को शुरू कर, 2 डिस्ट्रीब्यूटर बना सको, आप इस तरह से काम को केवल 1 साल तक कंटिन्यू करो। दोस्तों दोनों का कंपेयर कर लेना कि एक इंसान जो पूरे 12 महीने काम किया, जॉब किया, वो कितना कमाता है, और एक इंसान जो वीक में केवल 2 घंटे काम करता है और पूरे साल भर तक काम करता है, इसी चीज को डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेशन अपनी टीम में सिखा देता है, तो पूरे साल के एंड में जो पैसा कमाएगा वो पैसा बहुत ही ज्यादा होगा इन कंपेरिजन विद प्रीवियस स्टैट्स। पिछले में 3 लाख रुपए कमा रहा था, यहाँ पे 8,190 बिजनेस सेंटर वो खुलवा पाता है। पेयर देखे तो 4,095 पेयर, एक पेयर पे 1,000 रुपए आते हैं, तो पूरा का पूरा लगभग 41 लाख रुपए कमा पाता है। कहाँ 3 लाख रुपए, कहाँ 41 लाख रुपए, कहाँ 24 घंटे उस काम में लगे रहना, कम से कम 12 घंटे तो जॉब पे जाना ही पड़ेगा ना। यहाँ वीक में 2 घंटे काम करते हैं और 41 लाख रुपया पैसे कमा लेते हैं। 41 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्त, पूरे सपने को जिया जा सकता है, किसी सपने को पूरा किया जा सकता है। लीडरशिप बोनस की बात करें तो लीडरशिप बोनस आपको पहले महीने में, देखो आपको हर पॉइंट के ऊपर मैं कंपनी ओरिएंटेड प्लान और लीडर ओरिएंटेड प्लान के बारे में डिफरेंस करते चला जा रहा हूं सो दैट कि आपको समझ में आए।
कोई भी कम हिंदुस्तान में 500 कंपनियां शुरू कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी कंपनी पहले मंथ में बोनस देने को तैयार नहीं है। कम से कम यू हैव टू वेट फॉर अनदर 3 or 4 months or 6 months तब आपको जाके, एक कंपनी के बारे में मैं बताऊं, ज्यादा नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1200-1250 सेल्स करने के बाद आप बोनस क्लब में एंट्री मारते हो, रॉयल्टी आपको मिलती है। यहाँ पे पहले महीने में रॉयल्टी उठा सकते हो, लेफ्ट और राइट में 15 सेल होनी चाहिए, 15 पेयर के मिलेंगे और लगभग 6,000-7,000 रुपये आपके बोनस का मिलना शुरू हो जाएगा। 3 महीने आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो 4th महीने आपके एक नए क्लब में एंट्री कर जाते हैं आप। उस क्लब का नाम है, हम क्या बताएंगे, कार क्लब कहेंगे। कार क्लब में अंदर आपको अलग से पैसे मिलना शुरू हो जाता है। 5वें महीने अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो 5वें महीने में आप ट्रेवल क्लब में एंट्री कर जाते हैं और पांचवें क्लब के अंदर में, जिसको ट्रेवल क्लब के नाम से हम जानते हैं, 25 लेफ्ट 25 राइट करते हैं तो आपको लीडरशिप बोनस तो मिलता ही मिलता है, क्लब का कार क्लब को मिलता ही मिलता है, प्लस ट्रेवल क्लब उसमें जुड़ जाता है, टोटल इनकम आपको 55,000 रुपया हो जाता है। एक क्लब को और जोड़िए फिर देखिए कि आपकी इनकम कितनी आती है। 6th पायदान पे जब आते हैं तो हाउस क्लब में एंट्री हो जाती है, वहां पे आपको लीडरशिप बोनस भी मिलता है, कार क्लब भी मिलता है, आप ट्रेवल फंड भी मिलता है, हाउस फंड भी मिलता है, सबको इकट्ठा जोड़ दीजिए तो उस महीने के अंदर में आपकी इनकम 65,000 रुपये होती है। काम आपने कितना किया, 25 लेफ्ट 25 राइट, और वो काम किसने किया, टीम ने परफॉर्म किया, क्योंकि टीम वर्क है। अब 7वें महीने के अंदर में आप एक बेहतरीन क्लब के हिस्सा पार्ट बनने जा रहे हैं, जिसको प्रीमियम क्लब कहते हैं। इसमें लीडरशिप बोनस भी मिलता है, कार क्लब का भी मिलता है, ट्रेवल क्लब का मिलता है, हाउस क्लब का मिलता है, प्रीमियम क्लब का मिलता है, और सारे को आप जोड़ दीजिए तो कम से कम उस महीने में आपको 75,000 रुपए की इनकम आती है। एक बहुत शानदार इनकम होता है दोस्त, एक शानदार लाइफ स्टाइल हो जाता है, एक शानदार एक जिंदगी का एक बहुत बढ़िया मकाम आता है, जहाँ पे हम जिंदगी को इंजॉय जी नहीं रहे होते बल्कि इंजॉय कर रहे होते हैं। इंजॉय करना बहुत जरूरी है, जीता जीने तो के लिए तो पूरा सब कुछ अवेलेबल है ही, हम कर ही रहे हैं सब कुछ। 120 उसके अलावा पेयर इनकम के अलावा बोनस इनकम लीडरशिप बोनस के अलावा फंड के अलावा आपको बोनस प्रोग्राम देते हैं। 120 दिन के अंदर में आपने 1,000 लेफ्ट 1,000 राइट कर दिया तो आपको एक बहुत शानदार गाड़ी जीप कैंपास आपको मिलती है, जो कंपनी आपको देती है। एक दूसरा है बोनस प्रोग्राम, जिसमें हम आपको देते हैं 6 महीने का टाइम पीरियड और 2,000 लेफ्ट 2,000 राइट आपको बिजनेस सेंटर खुलवाने होते हैं, और आपको एक कंपनी देती है आपको टोयोटा की जबरदस्त फॉर्चुनर गाड़ी आपको देती है। साथ ही साथ आपको 3रे पायदान पे अगर आए तो एक बेहतरीन और 9 मंथ का प्रोग्राम है, लेफ्ट और राइट आपको 3,000 बिजनेस सेंटर देने होते हैं, आपको 3,000 लेफ्ट 3,000 राइट सेल्स देने होते हैं, और एक शानदार अब लैविश गाड़ी का आप मालिक बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मर्सिडीज, जो बहुत ही शानदार गाड़ी है। ये सब गाड़ियां इनकम ये अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए के चीजें हैं ये। और उसके साथ 12 महीने का एक प्रोग्राम, जिसमें घर आपको कम से कम 50 लाख का घर देती है, मिनिमम अमाउंट मैं बता रहा हूँ, 50 लाख का दिल्ली एनसीआर में घर देती है कंपनी, बस आपको 4,000 लेफ्ट और 4,000 राइट आपको करना होता है, जो टीम करती है, आप नहीं करते हैं बल्कि टीम करके देती है। अचीवमेंट हमारी बहुत केवल कहने की बात नहीं है, हमारी अचीवमेंट बहुत ही शानदार है, कम से कम 50-55 लोग करोड़पति बन चुके हैं, लखपति की संख्या 11,000 से ज्यादा है, कार अचीवर 2,300 से ज्यादा है, फॉरेन ट्रिप हमने बहुत सारे लगाए हुए हैं, और फॉरेन ट्रिप अचीवर कम से कम 10,000 से लोग ऊपर हैं, और 2-3 हमारा फॉरेन ट्रिप में जो 250-300 लोगों का बैच है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जनवरी में जा रहा है, कोविड की वजह से हमने पोस्टपोन कर रखा है, वर्ल्ड में कहीं ट्रेवल नहीं हो रहा है फ्रीक्वेंट, इसलिए वो भी हमारे। अब मैं कहता हूं आपसे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप कह रहे होंगे कि कितना पैसा लगेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये पैशन और प्रोफेशन के मैच करने वाला बिजनेस मुझे लग रहा है, आप सोच भी रहे होंगे और आपस में आप बातचीत भी कर रहे होंगे, तो मैं बिजनेस कितने शुरू होगा, क्या एक बाइक के बराबर इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, जिसकी कीमत आज के जमाने में 1 लाख से कम नहीं है, क्या आप कहीं घूमने जाते हैं जिसमें कम से कम 70-75 हज़ार रुपए खर्च होता है, क्या उतना पैसा लगेगा इस बिजनेस को शुरू करने में, या क्या ये केवल 50-60 हज़ार रुपये से शुरू हो सकता है, या ये कितने एक मोबाइल के बराबर 20-25 हज़ार रुपये से शुरू हो सकता है। दोस्तों ये बिजनेस आपके विजन से शुरू होगा, ना कि पैसे से शुरू होगा। पैसा ना इसमें 1 लाख रुपए लगने वाला है, ना 50,000 लगने वाला है, ना 75,000 लगने वाला है, ना 15,000 लगना है, ना 20,000 लगना है। इसमें आपका एक विजन लगने वाला है, एक परिवार का ड्रीम लगने वाला है, एक सामूहिक प्रयास लगने वाला है, एक सामूहिक एक सपना देखा होगा, आप माता पिता और बच्चों के साथ बीवी के साथ बैठ के आपने सपने देखे होंगे। इन्वेस्टमेंट इसमें पैसों का नहीं है। आप कहते होंगे कि पांडे जी मैं एक पैकेज लेके हर्बल पैकेज लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मैं एक क्लोथ वाला पैकेज लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, बेडशीट वाला लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं क्या कॉस्मेटिक वाला लेकर स्टार्ट कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि छोड़ो उस सब चीजों को, आप लेने का तो जो जरूरत हो ले लो, लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट होगा आपके सपने से, आपके परिवार के सपने से, आपके बच्चे के सपने से, आपके सामूहिक रूप से एक सोच से। ये पैसे से बिजनेस नहीं शुरू होने वाला है,
ये पैसे से नहीं शुरू होने वाला है, ये एक प्रयास है आपके सामूहिक एक सपना, जो परिवार ने, इंडिविजुअल ने नहीं, परिवार ने अगर सपने देखे होंगे कि मुझे आने वाले टाइम में हमें घर बदलना है, मुझे गाड़ी बदलनी है, बच्चे का एजुकेशन बदलना है, तो ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्त ये पैसों से कुछ नहीं होता, पैसों से होने होता तो 15,000 आपने कितने बार कितनी जगह खर्च किए हैं, याद है आपको कितना नुकसान पहुंचाया होगा आपने बिजनेस कर करके, तो कहां नहीं बिजनेस, क्यों नहीं सपने पूरे हो गए, नहीं हुए, क्योंकि आपको एक सिस्टम अच्छा नहीं मिला। आज इस स्टेट के अंदर में, आज अगर देखें हिंदुस्तान के अंदर में, तो हिंदुस्तान के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग एक रिवॉल्यूशन बना हुआ है, और इस रिवॉल्यूशन के अंदर में नेस्विच बहुत बेस्ट कंपनी है। बेस्ट इसलिए कहता हूं कि इसका प्लान हमेशा लीडर ओरिएंटेड प्लान है, जैसे कि मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश किया। हमने बताया कि नेस्विच बेहतर इसलिए है कि हम अपने पास अपने लोगों को ला के छोड़ते नहीं है, बल्कि उनके लिए हम एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आते हैं, और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको स्टार्टअप को शुरू करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ये हमारे पैकेज है जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक पैकेज है, कॉस्मेटिक के अलावा हमारे शर्ट का पैकेज है, कॉस्मेटिक वाला 13,999 का है, शर्ट पैंट का पैकेज है 13,750 रुपये का, सूट का पैकेज हमारा 13,850 रुपये का है, जींस और टॉप का पैकेज है हमारे पास जो आपका 12,300 रुपये का पैकेज है। किसी भी पैकेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक 12,200 रुपये पैकेज, इसमें अटेंसिल्स हैं, किचन के लिए है, और ग्रेडो का सूट लेंथ है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पैकेज है। हर्बल पैकेज है 12,000 के आसपास का पैकेज है, जिसमें आप शुरू कर सकते हैं। आपके घर में अगर इम्यूनिटी की पैकेज, मोटापा की समस्या हो उससे आप शुरू कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो हर्बी कैल्शियम दूर कर सकते हैं, इम्यूनिटी की कमी हो तो आप सिलोमिन का पैकेज ले सकते हैं, आप मोडीफिट का पैकेज ले सकते हैं आप 11,990 रुपये का, जिससे कि आप सर्दिया आप वेट लूज होता है, सर्दिया वेट लूज होता है। इस तरह से बहुत सारे पैकेज हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि हमारे ज्यादा पैकेज होने के फायदा ये होता है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता है कि यार मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूं लेकिन अभी रजाई की जरूरत है, मुझे हर्बल केवल मिल रहा है, मुझे कॉस्मेटिक की जरूरत है केवल रजाई मिल रही है, अरे मुझे शर्ट पैंट खरीदना है लेकिन मुझे मुझे तो किचन का सामान मिल रहा है, आप कहते दिवाली आने वाली मुझे किचन का खरीदना है, वो हर्बल लेके आपके सर पे सवार है। निस्विच करने से यह फायदा होता है कि आपके पास लिबर्टी होती है कि आज आपके घर में जिस चीज की जरूरत है वो पैकेज से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ निस्विच। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के तीन तरीके हैं, या तो आप नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करो, एक बिजनेस अपने नाम से लो और लाट साहब बन के शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ लाट साहब छोड़ो, वो तो गलत वर्ड हो जाएगा, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप एक बिजनेस सेंटर से भी शुरू कर सकते हो, आप अपने अपने साथ बच्चों को बीवी को शामिल कर सकते हो, और नहीं तो मैं कहता हूँ कि सबसे संस्कारी पैकेज, जिसको कहता हूँ संस्कारी, समझना इस चीज को, सबसे संस्कारी पैकेज होता है मेरे हिसाब से 7 ID का, माताजी, पिताजी, मैं, बीबी, बच्चे और छोटा बच्चा, ये 7 पैकेज का हमारा संस्कारी पैकेज, जिसको मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस। मातु साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बढ़िया पैकेज है, आप 7 बिजनेस सेंटर से स्टार्ट करिए और ये सबसे बढ़िया पैकेज होगा, इससे आप बहुत भला होगा। इसी संस्कारी पैकेज का नतीजा ये है कि मेरी बीवी मेरे से खुश रहती है कि मेरा भी आईडी सही किया तूने लगाया, तो मेरा बेटा खुश रहता है क्योंकि मेरे बेटे का इस मंथ का इनकम 1,70,000 रुपये है, मैंने दिखाया भी था पिछले अपने दोस्तों को, केवल 21 साल का मेरा बेटा है केवल, और उसके 1,70,000 का पेमेंट है, तो सारे खुश रहते हैं। उसी संस्कारी पैकेज का नतीजा है कि हमारे परिवार के सारे लोग खुश हैं। आज के जमाना पैसों का है, पैसों से सारे खुश रहते हैं, परिवार के लोग मत कमा के दो तो सारे नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए सबसे बढ़िया पैकेज है। इस बिजनेस को इस पैकेज से स्टार्ट किया जा सकता है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस संस्कारी पैकेज से आप स्टार्ट करिए इस बिजनेस को, राइट। और इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर में इस बिजनेस को, आपके सेमिनार को खत्म करने जा रहा हूँ। ये संस्कारी पैकेज का फोटो आ गया आपके पास, 7 ID से शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज आजकल लॉन्च हुआ है, कंपनी ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन पैकेज को दिया है। आप उससे किसी जो भी लोग आपको इन्वाइट किए हैं, जिन लोगों ने आपको इन्वाइट किया है इस बिजनेस में, इस वेबिनार को देखने के लिए, मैं कहता हूँ कि आप उनके पास आइए, उनसे कहिए कि मेरे लिए ये पैकेज बताइए, डिटेल में बताइए। पांडे जी ने थोड़ा फास्ट में बताया, आप मुझे डिटेल में बताइए, टिक करते चले जाइए सबको, परिवार के साथ टिक करके, मुझे पापा के लिए हर्बल वाला चाहिए, मम्मी के लिए ये वाला चाहिए, बीवी के लिए बेडशीट वाला चाहिए, बच्चों के लिए आपको अल्कलाइन वाटर के दीजिए, परिवार के लिए अल्कलाइन वाटर के लीजिए, जींस टी शर्ट बच्चों के लिए दे दीजिए, सब कुछ पूरा पैकेज है, हर तरह के पैकेज को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक जो स्लाइड अभी चल रही है इस पर आप ध्यान देना, इस चीज को, इस बिजनेस को कोई मुर्दा नहीं स्टार्ट कर सकता। मुर्दा इन सेंस के जिसके अंदर बेली के अंदर फायर ना हो, जिसके अंदर आग न जलती हो, जिसके पास आग नहीं है वो इस बिजनेस को ना करे।
पैसा हो तब भी ना करे, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ना करे। इसमें बिजनेस करने को ही कर सकता है जो एक ड्रीमर होगा, जो सब परिवार के लिए सपना देखता होगा। एक ऐसा बिजनेस, एक इंसान चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, जिसपे अपने अपर दीपो भव वाला उसकी भावना हो कि मैं अपना दीपक खुद बनूंगा, मैं मेरे राह को दिखाने के लिए। मेरा दीपक जरूर छोटा है, मेरा दीपक जरूर कम रोशनी वाला है, लेकिन वो दो पग तो आगे दिखाई रहे हैं ना। पहले दो चल लो, फिर अगला दो दिखा देगा, तुम और दो चलो, फिर दो अगला दिखा देगा। एक दूसरे के टॉर्च से 1 किलोमीटर नहीं जाया जा सकता है, लेकिन अपने लालटेन से 1000 किलोमीटर जाया जा सकता है। इसलिए वो इंसान जरूर ऐसा कॉन्फिडेंट इंसान हो कि यस, मेरे पास सपने हैं, मैं पूरा करने की काबिलियत है, मैं कर लूंगा। जो पॉजिटिव सोचता हो, जो 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 समझदार हो, जो डिसीजन ले सके। मेरे को हमेशा याद आता है राहुल सर कि जब मैं सेमिनार को वाइंड अप कर रहा होता हूं, तो टाटा का वो जो स्टेटमेंट है मुझे याद आ जाता है, जिसमें टाटा कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि सारे जिस वेंचर में आप हाथ डालते हो वो सफल कैसे हो जाता है। वो कहते हैं कि ना 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 ना, उल्टा बोल उल्टा। मैं पहले वेंचर में हाथ डालता हूँ, बाद में उसको सफल कर देता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों के अंदर है, मुझे टाटा की वो आत्मा दिख रही है, वो टाटा का उद्योगपति वाला वो सेंस दिख रहा है कि आप इस बिजनेस में आए और इस बिजनेस को सफल करें अपने लिए। इस बिजनेस को सफल ना करें, ये बिजनेस तो 100 साल से सफल है वर्ल्ड में, और नेस्वी तो 21 साल से सफल है वर्ल्ड में, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस बिजनेस में आए और इस बिजनेस में अपने लिए इस बिजनेस को सफल करें। क्या करें? अपने लोगों का लिस्ट बनाएं, उनको इनवाइट करें और उनको इस प्लान को शेयर करें, और कुछ न करें। आप इस सपना देखें, उस सपने को इस अपॉर्चुनिटी से जोड़ें, अपर दीपो भव ये याद रखें, अपने लोगों का लिस्ट बनाएं, उन लोगों को आप प्लान को शेयर करें। लास्ट में दोबारा से बोल रहा हूं, सपना देखें, हिम्मत दिखाएं, अपॉर्चुनिटी पे विश्वास करें, लिस्ट बनाएं, अपो दीपो भव वाला सेंस रखें, और आप अपने धड़ल्ले से उन लोगों को प्लान शेयर करें। लास्ट बात में कहने जा रहा हूं, याद रखना रेस्टोरेंट वाली बात, मत भरोसा करना दोस्तों पे, मत भरोसा करना रिलेटिव पे, मत भरोसा करना पड़ोसी पे, ये केवल स्टार्टर है, इनको खा जाएं। रियल मील पीछे से आने वाला, अभी जो ऑर्डर आपने दिया है वो 135 करोड़ पे भरोसा करें और खुद आपकी आवाज राकेश जी, आपके आवाज में कुछ दिक्कत है, आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? राकेश जी की आवाज आ रही है? नहीं 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 राकेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। अच्छा, कब से नहीं आ रही थी? लास्ट स्लाइड। हाँ। लास्ट स्लाइड में मैंने यही कहा कि आप एक ड्रीम सपना देखें, सपने को आप साकार करने की हिम्मत दिखाएं, अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, अपो दीपो भव याद रखें। केवल एक चीज याद, अपो दीपो याद रखें कि आप अपने दिया खुद बने, और लोगों का लिस्ट बनाए, लिस्ट बना के इनवाइट करें। लास्ट में मैंने यही कहा था कि जब रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो वो चीज हमेशा याद रखें कि ऊपर के जो 3 लोग हैं, कौन लोग? रिलेटिव, फ्रेंड्स और आपके नेबर्स, वो आपके स्टार्टर हैं, वो मेन कोर्स नहीं है। मेन कोर्स तो आने वाले हैं, 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों पे आप विश्वास रखें और खुद पे विश्वास रखें, ये बिजनेस होता है। दोस्तों, मैं हैंड ओवर करता हूँ राहुल जी को, आप मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं, और मैं आपके सामने अभी 5-7 मिनट के लिए बरकरार हूँ। हैंड ओवर टू राहुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त मजा आया सर, जैसे मैंने कहा था लोगों से, बहुत सारे लोग तालियां भी बजा रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए, और आपने बहुत डिटेल और टेक्निकली सेमिनार किया। यस, थैंक्स टू यू, फ्रॉम मेनी ऑफ आपको भी मैसेजेस आए होंगे। सो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो जो आप राकेश जी से पूछना चाहते हो, जस्ट राइट इट, कोई भी क्वेश्चन हो,
यस यू आर वेलकम। तो हम आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या राहुल सर? हाँ हाँ हाँ, अब क्या आवाज आ रही है? यस यू आर ऑडिबल। यस लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, शानदार जबरदस्त। यस थैंक यू सो मच जी और राकेश सर, सैल्यूट टू यू, जबरदस्त। यस तो अभी हमें सवाल चाहिए, अगर आपके माइंड में आप राकेश जी से और कुछ पूछना चाहते हैं। वंडरफुल एंड नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस मुकुल शर्मा जी वेलकम। नाउ वी वांट योर क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं सेमिनार के बीच में ही, और आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस है। यस अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, मेरे लिए क्वेश्चन आया है जी। दैट इज नेक्स्ट मीटिंग कब है? दैट विल बी ऑन सैटरडे। तो नाउ आवर शेड्यूल इज वेंसडे इवनिंग एंड सैटरडे इवनिंग। गुड नाइस, बहुत कम बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। यस यस, अगर कोई सवाल है। राकेश सर आप इस बिजनेस को कर रहे हो। यस माइंड को खोलने वाला सेशन, ग्रेट राकेश सर, ओके खूब छान। हमारे मराठी में बोलते हैं बहुत अच्छे को खूब छान बोलते हैं। ओके ओके, खूब छान खूब छान खूब छान, धन्यवाद। आपका मोस्ट रिमेम्बरिंग मोमेंट इन दिस बिजनेस, कैन यू शेयर विद पीपल? रोज रोज ये मीटिंग कीजिए सर, रोज रोज हम मीटिंग करेंगे यार, सुबह शाम करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे मैसेज आया है रोज रोज में मीटिंग कीजिए सर, करेंगे अभी। जस्ट नाउ वी आर वर्किंग विथ टू वेबिनार्स, वेंसडे एंड सैटरडे। जैसे अभी आज पहली बार शायद हमने इस बारे में ओपनली बात किया है, लॉन्चिंग किया है, जैसे सर ने, राकेश जी ने सेमिनार में बताया, दैट इज अबाउट स्टेम सेल्स। अभी तक हम इसके बारे में लोगों को बता नहीं रहे थे, दिस इज फर्स्ट टाइम राकेश जी लोगों को पता चला है कि कुछ नया बहुत जबरदस्त आने वाला है। तो वो आने के बाद हम लोग वीकली मीटिंग्स भी बढ़ाने वाले हैं, वी आर प्लानिंग फॉर दैट। अभी हमने थोड़ा सा दो किया है, तो ऐसा मत समझिए ये दो का एक होने वाला है, ये दो का बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और वी आर इन प्लान ऑफ एक्शन। तो राकेश जी मैं आपसे पूछ रहा था, द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू इन दिस बिजनेस। राइट राइट डेफिनेटली, देयर आई थिंक देयर इज सो मेनी मोमेंट्स दैट कैन आई बी कैन बी रिमेंबर्ड इन माय लाइफ इन फोर थ्री एंड हाफ इयर्स ऑफ पीरियड। उसमें कई सारे हमारे सबसे मेमोरेबल था जब मेरा मेरा क्या मैं क्या वर्ड क्या यूज करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब मेरे जब हमारा पहला सिविक सेंटर के अंदर दिल्ली के अंदर में, जो लोग भी दिल्ली से जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे, सिविक सेंटर को जानते होंगे। दिल्ली में हमारा सेमिनार होता था जिसमें 2200-2500 लोगों की कैपेसिटी है। हम केवल एक साल कंप्लीट हम लोगों ने किया था, और उस कंप्लीशन के अंदर में हमारे जो आपने कई बार प्रेजेंटेशन आपने सुना होगा मनोज कुमार जी का, यहाँ पे तो आपने सुना होगा, कई सारे लोग जानते भी होंगे, कई बार उन्होंने वेबिनार किया हुआ है। उस मनोज कुमार ने बहुत जबरदस्त अचीवमेंट करी थी, और हम लोगों ने एक साल के अंदर में 3 रूबी क्रिएट किए थे। और ये बात है 2017 की बात है, एक साल के अंदर हम लोग 3 रूबी क्रिएट किए थे। और मेरे को विश्वास नहीं था कि हम लोग एक साल के अंदर में इतना भारी अचीवमेंट ले सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत मेमोरेबल था जब हमारे टीम के 4 लोग एक साथ सिविक सेंटर के अंदर में रूबी बन के स्टेज पे आए थे, वो भी दैट इन वन ईयर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यस यस, वो मेमोरेबल था हमारे लिए, मोस्ट मेमोरेबल। देखो राहुल सर, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि जब एक ये बिजनेस है लीडरशिप का, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अगर आप अच्छे लीडर हैं या बेहतर लीडर होना भी चाहते हैं, फ्यूचर की भी बात करता हूँ, किसी के लिए भी मैं बात करता हूँ, या मैं अपने लिए बात करता हूँ, जब आपके टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपके लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, तब वही आपके लिए मेमोरेबल चीज होता है। पर्सनल अचीवमेंट कभी मैटर नहीं करता है, टीम अचीवमेंट मैटर करता है। और हमारी टीम जब जब बड़ी अचीवमेंट करती है, आप कहेंगे कि कौन कौन सा बहुत मोमेंट है, मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट ये था जब नेस्वी ने वेबिनार शुरू किया था, और मनोज कुमार का पहला प्रेजेंटेशन मेरे से भी पहला प्रेजेंटेशन था, तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट। इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो टीम अचीव करती है। ओके ग्रेट सर, और मनोज
कुमार प्रजापति जी भी आज शायद सेमिनार वेबिनार में है और अगले नेक्स्ट वीक हम उन्हें बुलाने ही वाले हैं। वी आर प्लानिंग टू कॉल हिम। ही आई थिंक राहुल सर पर्सनल पर चीजें मैं नहीं बहुत शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर इन एसपीस। मुझे लगता है कि जो दो चार दस अच्छे प्रेजेंटर उनमें से मनोज कुमार। यस, ही हैज गॉट हिज यूनिक वे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपका नॉलेज कितना है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है वो आप कितना पैशन से पुट ऑन करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। व्हाट आई हैव सीन कि आप कितना जानते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो जानते हो उसके बारे में आपका पैशन कितना और कॉन्फिडेंस कितना है। सो मनोज इज सिंपली ग्रेट इन दैट मैटर और वो बहुत पैशन के साथ एकदम प्रेजेंटेशन करता है, लाइक हिज सेमिनार। यस, सो थैंक यू टू ऑल फॉर अटेंडिंग। यस मुकुल शर्मा जी धन्यवाद। ओके सर राकेश जी, लेट्स थैंक यू, आज रुक जाते हैं आज शाम के लिए। जिन्होंने डिसीजन लिया है उनका वेलकम है। सैटरडे इवनिंग फिर हम मिलेंगे, तो ऑल ओवर इंडिया से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।